तो गाइस सुबह सुबह दादी जी ने मुझे निकाल दिया, 500 रुपये हो गया। ठीक है, देख लो सुबह सुबह संडे वाला दिन और 500 रुपये। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला, संडे है ना, तो संडे वाले दिन 500 की दुकानदारी हो चुकी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी जब वक्त हो रहा है ना, 10:15 हो रहे सुबह के, और फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ मैं। और आज का प्लान है, मतलब दो जगह का प्लान है, और देखते कहाँ पे जाते हैं। पीछे से देख रहे हो मनीष आ गया है, तो अभी हम जा रहे हैं, फिक्स नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन दो जगह का प्लान है, दोनों में से एक जगह जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे। मनीष तो कह रहा है स्विमिंग पूल, और मेरा विचार है कहीं और का, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, किस जगह जाते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं स्कूटी निकाल के, मनीष ने वाली स्कूटी हटा दी है, तो हम यहाँ से निकल के पहले हम जाएंगे मनीष के घर, फिर हम जाएंगे जहाँ पे जाना डिसाइड करेंगे वहाँ जाकर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मनीष के घर पे, फिर वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कहाँ को जाना है। ठीक है, स्विमिंग पूल जाना था हमें सुबह, लेकिन हम उठे ही 10 बजे थे, कहाँ से जाएंगे फिर। मुझे तो उठाया भी नहीं एक भी बार, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे उठा रहा कोई, वरना मैं सुबह ही उठ जाता। कोई बात नहीं, देखते हैं शाम को कहाँ जाएंगे। मनीष की अकेडमी आ चुकी है, जा रहा अकेडमी। ठीक है, आएगा शाम को, तो फिर जाएंगे हम दीक्षित सेंटर। सो ये है मनीष की अकेडमी। सो अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर की ओर, तो अभी मनीष खेल वेल का आएगा, और इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी है जैसे मैंने दिखाया था ना वीडियो में। तो अभी आएगा मनीष खेल के, फिर हम मिलेंगे। सो गाइस अभी ना मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, चाय पीने के बाद देन हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ठीक है, क्योंकि वैसे जाना हमें स्विमिंग पूल था सुबह, तो थोड़ा लेट सो के उठे और मनीष भी लेट हो गया, फिर हमारा मूड एकदम से चेंज हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम शाम को चलेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर, क्योंकि वहाँ पर मॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। और तो अभी आएगा मनीष, वैसे अकेडमी गया, तो वैसे आते ही फिर सीधा हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ओर। सो गाइस डिस्ट्रिक्ट सेंटर ना अकेले नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे हर्षित को, क्योंकि हर्षित ना पिछली बार आ गया था ना, तो बताओ उसको दो बार तो हम लेके भी आ पाए ना, इंडिया गेट वाले में लेके गए ना बंगला साहब। आज किस ब्लॉग ना हर्षित मनीष और मैं जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने लायक और कितना मज़ा आता है देखते हैं वहाँ पे जाके, है ना। वैसे देखा तो मैं रास्ते में, लेकिन अंदर कभी भी नहीं गया आज तक ना, कभी भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर नहीं गए। तो मनीष के लिए पहली बार होगा, हर्षित के लिए भी मेरी पहली बार होगा, और मेरे लिए तो वैसे तीसरी चौथी बार है, मैं दो बार गया हूँ, लेकिन अंदर तक मैं भी नहीं गया, तो मैं बस फर्स्ट टाइम जाऊँगा अंदर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, जैसा कि आप देख सकते हो, तो इस तरफ है वाव मोमो करके, ठीक है, और ये है यूनिटी वन जनकपुरी है, इसका मतलब गेट है, यहाँ से देख सकते हो आप, तो यहाँ से एंट्री वगैरह ले सकते हैं अंदर जाने के लिए, और ऊपर ना मतलब पूरा घूमने फिरने की जगह है, तो ये सब चीज़ें। So guys, ये है मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर, तो अभी ये मतलब यूनिटी वन के पास में, जहाँ से पीछे देखो तो क्राउड बहुत है, संडे वाले दिन में भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। सो अगर आप कभी भी आना है तो संडे वाले दिन जरूर आएँ, क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग आता है लोग की, और पीछे देखते हैं मेरा मार्केट वगैरह है मेरे, तो अभी मैं थोड़ी सी और आगे आपको लेकर चलता हूँ, बहुत अच्छी अभी हम जा रहे हैं इधर बिग बाज़ार अंदर, तो बिग बाज़ार के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अंदर बिग बाज़ार के अंदर, ठीक है, शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, खाली देखना अंदर क्या क्या है। ठीक है, दिखाते देखा अंदर कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही मतलब सीढ़ियाँ है ना जो ऊपर से नीचे तक आ रही है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मतलब बिल्कुल कूलिंग है, मतलब मज़ा आ रहा है अंदर देख के। अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रही है, मनीष होता रहा तो और भी मज़ा आता रहता है, क्योंकि मनीष की ना अकेडमी थी इस बारे में लेके नहीं आ पाया उसको, तो मिस कर रहा बहुत। सो अगले टाइम जब भी आऊँगा ना तो मनीष को लेके आऊँगा। तरफ रेस्टोरेंट वगैरह है, तो यहाँ पे मतलब लोग वगैरह बैठ के खाते हैं, और इस तरफ आगे देखेंगे तो स्टॉल वगैरह लगी है, तो
काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कैंडी बच्चों को। अभी हम चलते हैं बाहर की और एग्जिट करते हैं और चलते हैं अपने घर। सो गाइस अगर आप डीसी आए ना तो डीसी से सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है वो है जनकपुरी वेस्ट है, तो यहाँ से उतर के ना आप सीधा डीसी के लिए आ सकते हो जहाँ मर्जी। तो ये यहाँ का मतलब मेट्रो स्टेशन है जहाँ से अमूमन लोग आते हैं और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने डीसी सेंटर इस मेट्रो स्टेशन। गाइस अभी मैं ना उस तरफ से मैं अब आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखोगे ना मतलब सिनेमा हॉल वगैरह और शॉपिंग का कपड़े का इधर भी है, और इधर देख रहे हो मतलब एक है BTW मतलब बिट्टू टिक्की वाला रेस्टोरेंट करके यहाँ पे है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ये यहाँ का फेमस, और यहाँ की देख रहे हो इमारत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी। और मतलब यहाँ पे भी पार्किंग वगैरह बना रखी है, तो इधर गाड़ियों की पार्किंग है कार की और इस तरफ थोड़ी सी बाइक वगैरह की। और आगे देख रहे हो कितना इन्जॉयमेंट हो रहा है, कितना इन्जॉयमेंट ले रहे लोग, बहुत ही प्यारा व्यू है। और आगे रेस्टोरेंट है BTW बिट्टू टिक्की वाला रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ पे द्वारका में भी है, Sector 10 में और NDC सेंटर में भी है। उधर से लेकर ना थोड़ी सी और आगे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह भी है और मतलब मूवीज़ वगैरह देखने थिएटर वगैरह भी है यहाँ पे ना, मतलब नॉर्मल स्टेयर्स है वहाँ के मुकाबले। और ये देखिए मैं ऊपर आ जाऊँ, ऊपर लेकिन खाली है क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा कोरोना का चला ना, और नीचे का व्यू देखो कितना प्यारा है। मतलब यहाँ पर लोग ना ये क्या बेमिसाल द फूड कोर्ट करके हैं, तो यहाँ पे लोग वगैरह मतलब डिनर वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो ऊपर से व्यू कितना प्यारा है। और मतलब पार्क सब बना रखा है लेकिन यहाँ पे ना पार्क नहीं, यहाँ पे मैट वगैरह है, मैट्रेस है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ बना रखा है। सो गाइस अभी ना मैं DC के ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब पीछे से आगे की तरफ एक और है, इधर मैं आ चुका हूँ और इधर ऊपर का जो एरिया है ना पूरा खाली है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है पब्लिक में, तो मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं। मतलब पीछे जा जाते नजर जाएगी कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नॉट इवन सिंगल पर्सन, देखिए पीछे तक का पूरा खाली। नीचे थोड़ी सी भीड़ है और यहाँ पे अफ्रीकन पीपल भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंडिया तो मतलब इंडिया से बाहर के लोग हैं, कितने प्यारे लोग होते हैं, देखो स्माइल तो इनकी खतरनाक है। सो गाइस मूवीज़ वगैरह का थिएटर है इस तरफ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। और इधर की बिल्डिंग है ना काफ़ी बड़ी बड़ी है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैसी। सो गाइस देख सकते हैं आप इनकी बिल्डिंग है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये 2nd, 3rd, फिर इसके पीछे भी है बिल्डिंग जो बहुत बड़ी है, ठीक है। और सिनेमा हॉल है पीछे बैक साइड में, तो और यहाँ पे मतलब ना पार्क सा बना रखा बैठने वगैरह के लिए। तो वैसे तो अभी रात हो चुकी है ज़्यादा, नहीं तो लोग ज़्यादातर ना मैक्सिमम यहीं पे बैठे होते हैं। सो संडे का दिन है ना इस हमारे खाली भी है, और जो ऑफिस वगैरह के लोग होते हैं ना वो आते हैं और ऑफिस फिनिश होने के बाद यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं, बट अभी कोई नहीं सिवाय इस बंदे के सो रहा है, ठीक है। गाइस अभी ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर, क्योंकि घर वाले वेट कर रहे थे, ठीक है। और मैं अकेला आया था, मनीष और को लेके नहीं आ पाया क्योंकि वो अकेडमी था ना, तो इसमें मतलब 7 बजे वो फ्री होता है, तो फिर आने जाने में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कहा एक बार खुद ही जा रहा हूँ। और यहाँ पर शोर वगैरह ना बहुत है, तो वॉइस प्रॉपर भी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, तो मैं भी जा रहा हूँ घर। और घर जाकर ना फिर मतलब डिनर वगैरह मनीष से मिलता है, मनीष क्या कर रहा है क्योंकि मनीष को भी लेकर जा रहा हूँ हमारे घर पर। तो गाइस अभी ना हम पैदल चल रहे हैं मनीष के यहाँ से ना अपने घर पर, और रात के वक्त हो रहा है 10:10, ठीक है। सो पैदल चल रहे हैं और मनीष के यहाँ से मेरा घर ना 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आज हम बहुत टाइम बाद पैदल चल रहे हैं। मनीष कैसा फील कर रहा है पैदल चल के? बहुत अच्छा मतलब ये अंदर से दुखी है, मतलब ऐसी शो ऑफ कर रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन चल रहा है ना पहली बार तो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है उसको, क्या बताते हैं। पहुँचते घर डेली पैदल ही आता हूँ मैं, डेली पैदल आता है और क्या। वैसे ना वार्म अप वगैरह करता रहता है अकेडमी में, तो इसको तो प्रैक्टिस है, लेकिन मैं जा रहा हूँ बड़ा अजीब सा लग रहा है पैदल चल रहा है। तो अभी घर जा रहा है, डिनर वगैरह रेडी होगा करते हैं, फिर सुबह बहुत थक गया गाइस आज। सो गाइस वक्त हो चुका है डिनर का, ठीक है। और डिनर कर रहे हैं हम, मटर पनीर और रोटी है, और दादी जी इधर डिनर कर रहे हैं हमारा, और मनीष इधर है, और हम अभी डिनर वगैरह करते हैं, फिर एडिटिंग वगैरह और दर सोने के लिए। बुर्ज खलीफा 10 मिनट का आ गया। अरे भाई आ चुके, मतलब टाइम देखते देखते सही टाइम पे एंट्री लिए मैंने। अभी हम मनीष से काम करवा रहे हैं, पानी भरवा रहे हैं आज से, काम वाम नहीं करते हैं। अभी जो वक्त हो रहा ना वो रहा 12:57, और फैमिली के ना सारे मेंबर्स हो चुके हैं, सिर्फ जाग रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी ना, तो एडिटिंग वगैरह ना पूरी कंप्लीट कर लिया, टाइमर लगा दिया कल सुबह 9 बजे का, ठीक है। तो वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगी, ठीक है। सो कहते आज किस व्लॉग में मैं गया डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बस थोड़ा दुख इस बात का कि मनीष और हर्षित को मैं नहीं लेके जा पाया, ठीक है। मतलब हर्षित बिजी था, मनीष भी मतलब अकेडमी में था, इस मारे मैंने कहा चल मैं चले जाता हूँ, मैं अकेले गया था।
तो टैक्सी सेंटर के ब्लॉग्स मैंने दिखाए तो मज़ा तो बहुत आया और थक भी गया मैं। ठीक है, सो अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ मैं। आई होप आपको लोग पसंद आई हो, पसंद है तो छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।